Good morning, students. I'm your geography teacher. First of all, I wish that all you are at home be safe. So, here for supporting your education environment, for supporting your home study, in this series, we just providing, we try to explain chapters so that it will help you to memorizing the question answer as well. So here, this is chapter first, representation of geographical feature through contours. So before starting the explanation part, same as ever, what practice we used to be do during the explanation in the class. So just take out your pen or the copy, so that we just where we need to be write down the relevant points or something needs to be write down that you may have. So the chapter is representation of geographical feature through contours. So what is contours? First we just try to understand contours. देखिए contours क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, ये map होता है हमारा. इस map में अलग अलग features के through, अलग 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 symbols, convention, signs, color, themes के through हम area के किसी भी area के detail representation को represent कर depict करते हैं. तो contours भी उसी में से एक geographical method है जो हमारे किसी भी एरिया के ज्योग्राफिकल पर्टिकुलर ज्योग्राफी फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है. वो क्या है, जैसे कि आपको पता है लैंड, हमारी जो सरफेस होती है वो एक तरह से दो टाइप से हम समझ सकते हैं. देखिए एक ये होती है फ्लैट लैंड यानी अर्थ सरफेस, ठीक है. एक होती है हमारी अन ईवन लैंड. वो कौन से होते हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, हिली हो गया, प्लेट्यूज हो गया. तो वो क्या होते हैं हमारे, उनकी कुछ शेप दिस, यानी उनकी जो लैंड फॉर्म्स है ये क्या है, प्लेट्यू, हिल्स, माउंटेन, ये क्या है हमारी लैंड फॉर्म्स, हाँ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो कि अनइवन है. अनइवन मतलब ये, जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है तो इसकी ये जो ऊंचाई इससे बी सी लेवल से अबव है, तो दैट इज इस टाइप के जितने भी फीचर्स हैं हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कंटूर की हेल्प से मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो ज्योग्राफिकल फीचर्स थ्रू कंटूर, अब देखते हैं कंटूर क्या है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. आता है इंटरप्रेटिंग कंटूर्स ऑन द टोपोशीट. तो अब कंट्यूज की हेल्प से वो जो ज्योग्राफिकल फीचर की हमने बात की थी उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टोपोशीट पे या ज्योग्राफिकल मैप पे. अगर टोपोशीट को हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो व्हाट इज इट, टोपोशीट द मैप, दिस इज आवर मैप, द मैप वेयर वी कैन रिप्रेजेंट एवरी सिंगल फीचर ऑफ इंडिविजुअल एरिया इन डिटेल, इट्स कॉल्ड टोपोग्राफिकल मैप, ऑल्सो नोन एज टोपोशीट. ओके, सो नाउ टोपोग्राफिकल मैप्स रिप्रेजेंट रिलीफ एंड मैन मेड फीचर टू डिपिक्ट द कलरफुल अर्थ. हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करने के, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैप पे हम किसका रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज टोपोग्राफिकल मैप. अच्छा यहाँ पर रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर मैन मेड को आप समझते हैं, द फीचर produced by, made by the man, that is man-made, and the feature that is exists in our nature naturally by no manual efforts, that is relief feature. जैसे कि क्या हो गया हमारे mountain, hilly, rivers, ये सारे features. Okay. तो the ups and downs of the relief are, ups and downs of relief, ये relief का ups and downs का मतलब अभी हमने देखा था हमारे plateau या uneven landforms जो होती हैं वो क्या होते हैं, ups and downs. अप्स एंड डाउन्स, लाइक एक और एग्जाम्पल ले लें तो दिस अप्स एंड डाउन्स हैं माउंटेन शॉर्ट ऑफ, ये सारे ये देख रहे हैं अप्स, सेट डाउन्स मतलब उतार चढ़ाव, अनइवन है, फ्लैट लैंड नहीं है. तो ओके, सो दिस अप्स एंड डाउन्स शॉर्ट ऑफ रिलीफ फीचर वी कैन रिप्रेजेंट इन द ज्योग्राफिकल मैप और टोपोग्राफिकल मैप विद द हेल्प ऑफ द कंट्यूज. सो व्हाट आर द कंट्यूज, कंट्यूज को समझते हैं सबसे पहले. देखिए कंट्यूज आर द इमेजिनरी लाइन, लेट्स सी, अगर हम लोगों को ये है प्लेट्यू, अगर प्लेट्यू को रिप्रेजेंट करना है
तो हम ऐसा तो नहीं मैप में ये सिंपल ऐसे प्लेट्यू बना देंगे तो इसकी फीचर को देखकर, इसकी शेप को देखकर हम पहचान लेंगे प्लेट्यू, नहीं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इमेजरी लाइंस होती हैं, इमेजरी लाइन की हेल्प लेने पड़ते हैं, जो हमें जिसे हम कंट्यूर भी कहते हैं। तो इमेजरी लाइंस व्हाट सीरीज शॉर्ट ऑफ ओके दीज आर दी कंट्यूर लाइन। अब देखिए इसको हम आगे समझेंगे। ओके ऑन द मैप RF 151:50,000 ये क्या होता है? RF रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, ये होता है हमारा स्केल जो कि यूनिवर्सल होता है और हर मैप पे पहले से एग्जिस्ट होता है एज एन इंडेक्स। ये 1:50 ये यूनिट, वन यूनिट, दोनों यूनिट सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब हो गया 1 cm = 50,000 cm। अब ये किसके इक्वल होता है? 1 cm यानी डिस्टेंस ऑन द मैप, यानी हम देख रहे हैं ये जो हमारा बॉक्स है ये कितने का रिप्रेजेंट कर रहा है अगर सेंटीमीटर में अगर हम बात करें तो, कि हमारा ये जो मैप पे 1 cm जो डिस्टेंस है वो ग्राउंड यानी सरफेस एरिया के कितनी डिस्टेंस के बराबर है, कितने एरिया के बराबर है? 50,000 cm। ओके तो दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंट्रीज इज 20 meters। अब अगर हम ये सक्सेसिव कंट्रीज को समझें तो देखिए वापस आइए यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं ये दो लाइनों के बीच के डिस्टेंस, दिस कोई सी भी ले लीजिए बिटवीन, ये हमारा कहलाता है कंट्यूर इंटरवल, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है? ये भी यूनिवर्सल है, 20 meters। ओके तो दस रीजन से कंट्यूर इंटरवल इज 20 meters। इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं? दो सक्सेसिव कंट्यूज की डिस्टेंस या डिफरेंस बिटवीन बोथ सक्सेसिव कंट्यूज लाइन्स कॉल्ड कंट्यूर इंटरवल, ठीक है, जो कि कितना होता है यूनिवर्सल? 20 meters। इट इज द इंटरवल एट विच कंट्यूर लाइन्स आर ड्रॉन, ये वो इंटरवल होता है जिसपे, इंटरवल मतलब डिफरेंस, दो लाइनों के बीच का डिफरेंस जिसपे कंट्यूज को बनाया जाता है। एट एवरी 100 meters इंटरवल अ थिक ब्राउन कलर लाइन्स कॉल्ड इंडेक्स कंट्यूर लाइन, और हर इसी तरह से 20 meters के अगर हम अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते जाएं तो 100 meters पे, हर 100 meters पे पड़ने वाली जो थिक लाइन होगी, ब्राउन लाइन, ब्राउन कलर की लाइन, दैट इज इंडेक्स कलर। क्या कहलाते हैं? इंडेक्स कलर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउन कलर, सी दीज आर हैविंग द कलर ब्राउन कलर एंड दीज आर इमेजरी लाइन कंट्यूज लाइन। ओके नाउ सर्वे इंस्ट्रूमेंट हैव टू फाइंड आउट द हाइट अबव द ग्राउंड। तो जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग मेथड होते हैं, नॉट ओनली द ड्राइंग ऑफ द मैप बट ऑल्सो द स्टडी और एग्जामिंग ऑफ इट। बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं इस मैप को बनाने के लिए, एरिया के फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसके साथ साथ बहुत से मेथड्स होते हैं उसको रीड करने के लिए। These height are marked at spot height on the map. तो कुछ हाइट देखिए, अब आपको मैं हाइट दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये बॉक्स देख रहे हैं, दैट इज ये एक न्यूमेरिकल डिजिट दी रखी हुई है, उसके आगे एक लगाया हुआ है डॉट, दिस इज कॉल्ड स्पॉट। तो अगर हम मैप में कहीं भी ये इस तरह की कोई न्यूमेरिकल डिजिट है और उसके आगे स्पॉट लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे? वो कौन सी हाइट है एरिया की, उस फीचर की? स्पॉट हाइट। अगर हम इन शॉर्ट ब्रीफ देखें तो देखिए बेंचमार्क, ये डिफरेंट डिफरेंट हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फीचर के। तो बेंचमार्क क्या होता है? BM 200 meters, ठीक है। अच्छा आपने देखा होगा, जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि आप रेल में सफर कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जब हम विंडो के बाहर देखते हैं तो वहाँ रेलवे ट्रैक्स के साथ साथ एक बोर्ड से लगे होते हैं, हाँ, उस पर लिखा होता है कि रेलवे ट्रैक हैविंग हाइट अबव द मीन सी लेवल इज 1,000 meters और वट एवर। तो वो क्या होते हैं? हमारे बेंच मार्क, वो भी एक तरह की हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज, हमने पहले ही कहा था बेंच स्पॉट हाइट, द न्यूमेरिकल डिजिट दैट इज 200 meters, इट मीन्स कि उस फीचर का, एरिया के फीचर का हाइट कितना है? स्पॉट हाइट। अब क्या डिफरेंस होता है स्पॉट हाइट और नेक्स्ट ट्रायंगुलेटेड स्टेशन में? देखिए ये जो ट्रायंगुलेटेड हाइट है सेम है, इसमें स्पॉट लगा हुआ है, इसमें ट्रायंगुलर का सिंबल है, दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जो इंजीनियर्स यूज करते हैं हाइट को, या ये ट्रायंगुलेटेड जो हाइट होती है ये मोर एक्यूरेट होती है और ज़्यादातर इंजीनियर्स ही इसी हाइट को फॉलो करते हैं। लेट्स से कि अगर स्पॉट हाइट
स्पॉट हाइट 200 मीटर है, तो ये कह सकते हैं ये अप्रॉक्सीमेट हो सकती है, यानी 19 भी हो सकती है और 20 भी हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कहीं पे आपको इस सिंबल के साथ में हाइट की मेजर यूनिट दे रखी हुई है कि 200 मीटर, तो इसका मतलब है कि वो कैलकुलेशन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स हाइट है, ना ज़्यादा ना कम। ओके, नाउ अगेन कंट्यूस लाइंस रिप्रेजेंट विद द ब्राउन इमेजरी लाइंस। ओके, देन आइडेंटिफाई लैंडफॉर्म्स थ्रू कंट्यूस। अब हम लैंडफॉर्म्स, हमने माउंटेन्स, हिली, वैलीज, ये क्या है हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, इसके इसी को अलग अलग लैंडफॉर्म्स को हम किस तरह से कंट्यूस की हेल्प से मैप में रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो कंट्यूस यूजुअली डोंट इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को नहीं क्रॉस करते हैं कभी भी, कंट्यूस जो इमेजरी लाइन्स हम खींचते हैं, दे मीट टुगेदर टू रिप्रेजेंट अ क्लिफ। किस केस में रिप्रेजेंट करते हैं कि टुगेदर एक दूसरे को मिलती हैं, क्लिफ ये भी एक लैंडफॉर्म्स है। When contours are widely spaced, they are depict gentle slope. Slope क्या होता है? अच्छा चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, आ जाइए इधर। स्लोप, देखिए स्लोप को हिंदी में सीधा कहें तो ढलान, ठीक है। आपने देखा है पहाड़ों पे अगर हम चढ़ जाएं तो एक तरफ से बिल्कुल स्लोप नजर आता है, वो ज्यादातर किनारों पे। हाँ, जैसे अगर प्लाटो की स्टैंड फॉर्म लीजिए तो ये देखिए यहाँ तो हम इजिली वॉक कर सकते हैं, क्योंकि सरफेस कैसी है, जेंटल, इसको कहते हैं जेंटल। जेंटलमैन मीन्स वेयर अ पर्सन और समथिंग योर ऑब्जेक्ट कैन बी मूव इजिली। ओके, आप ये देख रहे हैं दिस इज वॉट एज, यानी किनारे। तो क्या आपको लगता है जिस कन्वीनियंस से आप यहाँ वॉक कर रहे हैं, क्या आप यहाँ वॉक कर सकते हैं? शायद अगर हमने वॉक स्टार्ट किया तो सीधे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या नीचे आके गिर जाएगा ना, तो ये कहलाता है हमारा स्लोप्स, ठीक है। तो कितने, जैसे यहीं से आपको समझ में आ गया, दो तरह के स्लोप हैं, जेंटल स्लोप मतलब ये कैसा लैंडफॉर्म्स होगा, ये कौन सा एरिया होगा लैंडफॉर्म का कि जहाँ पे अ पर्सन कैन इजिली वॉक, एंड ये कौन सा है हमारा स्टीप, स्टीप मीन्स ढलान। कैसा है हमारा स्लोप, बिल्कुल ढलान एकदम, मतलब यू नो गिर जाए सीधा, मतलब खड़ी है स्टीप, इसका ये क्या है स्लिप, ये जेंटल स्लोप है और ये स्टीप स्लोप है, ठीक है। दो तरह के स्लोप होते हैं, एक जेंटल और एक स्टीप, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे थे, देखिए अब यहाँ तो हमने इसकी लैंडफॉर्म के हिसाब से समझ लिया कि ये एरिया जेंटल है और ये स्टीप है। अब कंट्यूस लाइन को कैसे समझेंगे, कंट्यूस लाइन में इसकी इमेजरी लाइन की स्पेस को देख के समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फॉर एग्जाम्पल हमने क्रिएट की हुई थी, तो अब क्या ये देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा है, वाइड है, इसका मतलब ये कैसा यहाँ पे ये इस एरिया में कैसा स्लोप है, जेंटल। सेम वे आप देखते जाइए, ये स्लोप, ये स्लोप और ये स्लोप, ये दोनों के बीच में स्पेस कम है, तो ये कैसा होगा स्टीप, यानी इस एरिया में हम चल नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते, इसका स्लोप कैसा है स्टीप, एकदम ढलान वाला, ठीक है। तो ये चीज डिपेंड करता है कि अगर दो सक्सेसिव कंट्यूस लाइंस का डिफरेंस बीच में या स्पेस बहुत वाइड है तो वो क्या शो करता है, जेंटल स्लोप। और अगर दोनों कंट्यू लाइन के बीच का जो स्पेस है बहुत नैरो है, कम है, तो वो कैसा स्लोप होगा, स्टीप, ठीक है। तो हम आराम से अगर ये कंट्यू हमारे मैप में है, अगर मैप में हमें नजर आता है तो हम इसी से इसको रीड करते हैं कि किस तरफ वो स्टीप स्लोप है और किस तरफ जेंटल, यानी कि वेयर वी कैन वॉक ऑन और वेयर वी कैन नॉट। आगे ड्रॉइंग क्रॉस सेक्शंस आर इजिएस्ट वे ऑफ ड्रॉइंग रिलीफ फ्रॉम आर कंट्यू मैप, ड्रॉ लाइन ए बी क्रॉस। ये देखिए ये जो अभी हमने प्रोसेस बताया था कि मान लीजिए कि आप जैसे इस डायग्राम में देख लीजिए एक लाइन ड्रॉ करी ए और बी, उसको पॉइंट एंड पॉइंट पे दे दिया कंट्यू लाइन बना, यानी कि आप अगर हम इस डायग्राम में भी समझें तो देखिए ये जो पीच का स्पेस है अगर वाइड है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जो स्लोप कैसा है, जेंटल। अब देखिए ये 200, 300, 400, 500 ये व्हाट इज, दो कंट्यू की लाइंस जो सक्सेसिव कंट्यूस हैं उनके बीच की स्पेस मीटर में, दिस 200, 300 हाइट, 400 मीटर, 500 मीटर, ठीक है। अच्छा अब मैं एक चीज और आपको यहाँ पे बता दूं, इन दोनों किसी भी दो नंबर्स जो हाइट के नंबर्स हैं यूनिट दे रखे हैं उनमें मैक्सिमम जो डिफरेंस होगा वो 100 होगा मैक्सिमम,
स्टार्ट विद द 20, 50, 100 सो ऑन, बट किसी भी कंडीशन में 100 से ऊपर का डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब हम पढ़ते हैं कॉनिकल हिल, क्या कहलाता है कॉनिकल हिल। देखिए कोन, आप यहाँ पे समझिए कोन क्या होता है। ये भी एक तरह से लैंडफॉर्म्स होते हैं, आपने देखा होगा अगर हम नॉर्मल के हम आइसक्रीम खाते हैं तो समथिंग इस टाइप का कुछ कोन होता है जिसमें हम आइसक्रीम्स खाते हैं, देखते हैं। तो ये इस टाइप की जो लैंडफॉर्म्स होती हैं दैट इज कॉनिकल हिल, ठीक है। अगर हम उल्टा कोन बना दें तो वॉट ये सरफेस, ठीक है, शॉर्ट ऑफ, या तो ये इस तरह से कॉनिकल हिल हो सकती है कि मतलब कोन की शेप में, द हिल और लैंडफॉर्म दैट इन द शेप ऑफ कोन इज कॉल्ड कॉनिकल हिल। हिल मीन्स पहाड़ी। अ कॉनिकल हिल इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वल स्पेस इन कंट्यूर्स, उनके बीच में कैसा मतलब अगर हम इसकी लैंडफॉर्म की बात करें कॉनिकल हिल की इमेजी लाइंस के थ्रू यानी कंट्यूर के थ्रू इसे मैप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो इनके जो इस बीच की स्पेसिंग है वो कैसी होगी, इक्वल स्पेसिंग ये, ओके। एंड हाइट इंक्रीज टुवर्ड्स द सेंट्रल सर्कुलर कंट्यूर, किसकी तरफ से बढ़ेगी इसकी हाइट, जैसे जैसे हम इस सेंटर की तरफ आते जाएंगे इसकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी। कंट्यूर अपीयर्स इन दी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, देखें कॉनिकल हिल, यस सी दिस डायग्राम, आप डायग्राम से पूरी इसको समझ सकते हैं कॉनिकल हिल। सी ये हमारे ग्राफ का ग्राफ है, ठीक है, जिसपे हम कॉनिकल हिल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद और मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इमेज इन लाइन। आप यहाँ देख रहे हैं 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700, यानी दो यूनिट्स के बीच में आप जो देख रहे हैं हाइट के बीच में 100 का ही डिफरेंस है, यही मैक्सिमम होता है। और आप देखिए ये हाइट किस तरफ बढ़ रही है, दैट इज सेंटर पार्ट, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं, देखिए जी के इन दोनों के बीच का स्पेस देख रहे हैं आप, तो यानी यहाँ पे स्लोप कैसा होएगा, जेंटल होएगा। लेकिन अगर हम एज की बात करें यानी किनारे, आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में स्पेस, इन दोनों के बीच में स्पेस, ये बिल्कुल स्पेस है, तो यानी यहाँ पे थोड़ा ढलान जेंटल होएगा, ठीक है। और ये जैसे कि देखो अगर मैं एक बात करूँ आपको कि ये भी पॉसिबल है इनकेस कि जैसे देखिए अगर हम बात करें कोई भी लैंडफॉर्म्स, सपोज अगर हम इसी लैंडफॉर्म्स को दोबारा क्रिएट करें दूसरी तरह से, तो ऐसे ऐसे किसी तरीके से भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी तरह जिस तरह का स्पेस, जिस तरह का स्लोप होगा उस तरह का हम जब इमेजरी लाइन क्रिएट करते हैं तो की जो इमेजरी लाइंस हैं उनमें स्पेस भी उसी कर दिया। अब जैसे देखिए यहाँ ये एरिया देखने पर फिर हम यहाँ पे आराम से इसका स्लोप कैसा है, ये एकदम से हम ना गिरें क्योंकि इसका स्लोप सीधा खड़ा नहीं है, तो यहाँ पे हम आराम से वॉक कर सकते हैं, मतलब कैन वी सर्वाइव। एंड इन इफ यू टॉक अबाउट दिस, सो ये स्लिप कैसा है, स्टीप है, तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे भी आप जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप यहाँ इन दोनों के बीच के जो स्पेस है वो कैसा है, वाइड है। बल्कि अगर कंपेरेटिवली इसकी बात करें इन दोनों के सक्सेसिव लाइन कंट्रीज के डिफरेंस की, तो यहाँ पे कैसा है, थोड़ा स्पेस कम, ठीक है, ओके। ऐसे ही अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं कुछ, जैसे रिज, सैडल, कोल, गैप एंड पास। क्या रिज क्या है, देखिए रिज इज अ लॉन्ग नैरो शार्प एज अपलैंड्स, अपलैंड्स कहते हैं बहुत ऊंची, अपलैंड माना ऊंचा, लैंड मतलब लैंडफॉर्म्स यानी जिसके बारे में जैसे माउंटेन हिल्स वगैरह हुए। हाँ अब देखिए इसका भी डायग्राम देख लेते हैं, रिच 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 रिच, यस दिस इज रिच। देखिए एक ही डायग्राम में तीनों को इन्वॉल्व करके समझाया गया है, रिच दिस इज रिच, सैडल किसी माउंटेन का ये वाला पार्ट दैट इज सैडल, दिस कोल, ठीक है, ओके। सैडल इज अ शैलो डिप्रेशन बिटवीन टू हिल्स, इट इज ब्रॉडर गैप कंपेयर टू अ कोल। अगर हम देखें सैडल इज अ शैलो डिप्रेशन बिटवीन टू हिल्स, देख रहे हैं आप सैडल एक तरह का शैलो डिप्रेशन है, दो हिल्स के बीच में, ठीक है, एंड इट इज ब्रॉडर गैप कंपेयर टू अ कोल। और ये देखिए इन दोनों के जो गैप है वो कैसा है, ब्रॉडर, इन दोनों के कंपेयर करें तो इसका जो गैप है वो कितना है, थोड़ा सा ज्यादा है, ब्रॉड देख रहे हैं, ओके। अ गैप इज अ लो डिप्रेशन क्लोज टू ग्राउंड, कोल क्या है, लो यानी थोड़ा सा गहरा, बहुत लो डिप्रेशन होता है क्लोज टू द ग्राउंड,
ग्राउंड की तरफ, ठीक है. अ पास इज अ गैप बिटवीन टू हिल्स बट इट कैन बी एट हायर एलिवेशन. अब पास की बात करें तो पास देख रहे हैं आप, दिस इज पास, दिस इज गैप. क्या कह रहा है, पास इज ऑल्सो गैप. एक तरह का गैप होता है, आपने देखा होगा कुछ माउंटेन्स ऐसा, या फिर किसी तरह का भी ये आप देख रहे हैं माउंटेन्स. तो ये जो स्पेस है देख रहे हैं, ये जो स्पेस है दैट इज व्हाट पास. पास मतलब शॉर्ट ऑफ सबवे. सबवे मतलब एक एक अगर हम यहाँ से निकलने, पास अवे निकलने की कोशिश करें, जाने की कोशिश करें एज एन वे, तो हम आराम से जा सकते हैं. दैट इज अ पास टू हिज बट इट कैन बी दी एट दी हायर एलिवेशन. और ये जो पास बनते हैं बट वो क्या ऊंचाई पे. हमने बहुत से पहाड़ देखे होंगे, बीच में दो पहाड़ों के बीच में बहुत ऊंचाई पे गैप होता है, मतलब आराम से हम उसके पास में बीच में से होकर निकल सकते हैं. दैट इज अ पास. इट इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड. और ये जो पास होता है वो पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता निकलता है, दैट इज पास, वो किस चीज के लिए यूज किया है, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर कोई भी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज को करने के लिए. अब है सेटलमेंट पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट है, जरा ये समझ लीजिए. सेटलमेंट यूजली ग्रो अप इन नियर द रिवर इन अ प्लेन वेयर लैंड इज एरेबल. एरेबल मीन्स फेवरेबल फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड इजी टू डेवलप अ वाइड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. चलिए पहले सेटलमेंट समझते हैं. सेटलमेंट क्या है, आपको पता है मैप में अगर हमको रिप्रेजेंट करना, यानी अगर मैं आपको ओके, सो नाउ विच इज टेक यू फॉर द सेटलमेंट पैटर्न. वॉट इज एग्जैक्टली सेटलमेंट पैटर्न. तो सेटलमेंट देखिए, हम जानते हैं कि मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम रेजिडेंशियल एरिया को रिप्रेजेंट करें, यानी लोगों को रिप्रेजेंट करें कि लोग कौन से एरिया में लोग निवास करते हैं, रहते हैं, तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं मैप में, दैट इज सेटलमेंट पैटर्न. सेटलमेंट पैटर्न क्या है, आप देखिए, ये आप देख रहे हैं ये मैप. मैप में ये जो रेड कलर के आपको बॉक्स देख रहे हैं वो इकट्ठे एक साथ, तो ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है सेटलमेंट. यानी इसे देखते ही हमें समझ में आता है कि मैप के किस एरिया में कहाँ पर लोग रहने वाले हैं, रेजिडेंशियल एरिया है कौन सा, ठीक है. तो वो देखिए आप, बेसिकली वो बहुत डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन था, तो जो आइकन थे बहुत छोटे थे. एक्चुअली वो क्या रेड कलर था, वो रेड कलर के स्क्वायर बॉक्स थे. ये दो तरह के बॉक्स होते हैं, एक सिंपल रेड स्क्वायर बॉक्स विदाउट कलर, और एक होता है ये रेड कलर से, रेड कलर फिल्ड विद रेड कलर स्क्वायर बॉक्स. तो ये दो तरह के सेटलमेंट होते हैं मेनली. तो ये वाला जो सेटलमेंट है आपने देखा होगा, ये रिप्रेजेंट करता है परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट रेजिडेंशियल एरिया. यानी यहाँ पे ये जैसे ही जिस जगह पे भी रेड कलर का सॉलिड रेड कलर से फिल्ड भरा हुआ बॉक्स स्क्वायर बॉक्स होगा, हम देखते ही समझ जाएंगे मैप में कि ये वो एरिया है जहाँ पे लोग बहुत पुराने समय से निवास कर रहे हैं. ओके और यहाँ जहाँ पे स्क्वायर बॉक्स होगा रेड का, लेकिन विदाउट फिल्ड, मतलब ब्लैंक, अंदर से सॉलिड भरा नहीं होगा, सिंपल, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये वो एरिया के लोग हैं, या ये वो एरिया है जिसमें यहाँ पे लोग कुछ समय के लिए रह रहे हैं. जैसे कुछ समय के लिए कौन से लोग रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जैसे मान लीजिए सपोज हाईवे प्लाजा की लोकल लैंग्वेज देखिए, जब ये इसको बनने में लगा हुआ, ऐसा तो नहीं एक दिन में दो दिन में बन गया हो, ये एक महीनों का, साल या फिर सालों का एक प्रोजेक्ट रहा होगा. तो ऐसी लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए लेबर की चाहिए, जरूरत पड़ती है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि लेबर आपको लोकल मिल जाए, अदरवाइज ऐसे लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए लेबर हमें बाहर से हायर करनी पड़ती है. तो क्या जब वो बाहर से आके रहेगी तो पूरे दिन तो काम करेगी, और फिर कहाँ रहेगी, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही बिल्डिंग के आसपास, आपने कई बार देखा भी होगा, वो एक नॉर्मल झोपड़ी टाइप का हट बना के रहने लग जाते हैं. तो बट है तो पीपल एरिया में, तो उस ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि कुछ समय के लिए उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, वो हम मैप में यूज करते हैं इस फीचर से, ठीक है, समझिए. अब देखिए आगे भी यही बोलेगा, सेटलमेंट में भी परमानेंट, देखिए रेड कलर का सॉलिड बॉक्स है और टेम्परेरी, ये वाला बॉक्स कैसे रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेरी. आगे देखिए, समटाइम्स पीजेंट्स मीन्स ओके, तो पीजेंट्स जो मजदूर होते हैं, कारीगर होते हैं, ड्यूरिंग दी हार्वेस्ट पीरियड ऑफ फॉरेस्ट
फॉरेस्टर्स ड्यूरिंग लॉगिंग पीरियड में सेट अप टेम्परेरी सेटलमेंट। तो ये भी एक वो तरह की यू नो टेम्परेरी लेबर हो सकती है, जो कि मतलब यार मान लीजिए अगर कोई फॉरेस्ट है उसे काटने के लिए एक ह्यूज लेबर चाहिए, ह्यूज लेबर आएगी तो एक दिन में तो फॉरेस्ट कट नहीं जाएगा, तो क्या वहाँ पे सम फॉर टाइम बींग दे हैव टू स्टे एंड फॉर डूइंग दी वर्क। तो ये भी एक तरह का इसको ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट किस तरह के बॉक्स के साथ करेंगे दिस। ओके देयर मे बी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द सेटलमेंट ग्रोथ सच एज लीनियर डिस्पर्स एंड न्यूक्लियर। अच्छा ये तीन तरह के पैटर्न्स होते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तीन तरह के सेटलमेंट पैटर्न होते हैं, एक लीनियर डिस्पर्स एंड न्यूक्लियेटेड। अब देखिए लीनियर जैसे सबसे पहला है लीनियर। अब सपोज ये कोई रोड है, इट कुड बी आर रोड और रिवर, जिसके दोनों साइड आप देख रहे हैं इधर भी सेटलमेंट्स हो, इधर भी लोग घर रह रहे हो, इधर भी घर लोग रह रहे हो, तो यानी कि इनफॉर्म यानी अगर हम बैरेज की बात करें तो बीच में ये रोड या रिवर है और दोनों तरफ घर बने हुए हैं और ये सिंपल लाइन्स, तो ये कौन सा सेटलमेंट कहलाता है? लीनियर। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर मैप में किसी तरह की कोई रेलवे पुल है, रेलवे लाइन है, कोई रिवर है और दोनों तरफ सेटलमेंट है, तो कौन सा सेटलमेंट पैटर्न होगा? वो लीनियर। अगर हम बात करें अब न्यूक्लियेटेड की, न्यूक्लियेट समझते हैं जुड़े हुए, कंबाइन, एक दूसरे बहुत पास पास, तो यानी ये कैसे भी हो सकते हैं, सपोज ऐसे पास पास, देख रहे ये कहलाता है हमारा, मतलब जो लोग हैं आसपास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत पास पास उनके घर घर हैं, तो ये ऐसे ये कहलाता है हमारा न्यूक्लियेटेड सेटलमेंट। डिस्पर्स कैसे कहलाता है? अगर एरिया में इस तरह के सेटलमेंट, ये कहलाता है डिस्पर्स का मतलब फैले हुए, ये हमारा होता है डिस्पर्स सेटलमेंट। ठीक है, ओके। अब देखिए हम कवर करते हैं डायग्राम से, हमको समझ में आ गया तो हम जैसे थोड़ी सी एक बार और समझ लेते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो दीज पैटर्न्स आर नोटिस अलोंग द रेलवे लाइन्स, मेटल रोड और रिवर। देखो है ना आपके ये वाला जो सेटलमेंट है, या दिस कुड बी रोड, मेटल रोड, रिवर्स और यू नो रेलवे लाइन, दे ग्रो ड्यू टू द एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि ऐसी जगह पे ज्यादा एडवांटेज होता है, हाईवे, रेलवे लाइन या रिवर्स, आप उसको अपने प्रिविलेज, अपने काम के अकॉर्डिंग, अपने यू नो जरूरत के अकॉर्डिंग से यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर सेटलमेंट अगेन दिस पैटर्न ऑल्सो कॉल्ड द क्लस्टर्ड एंड इस ऑफन, ये वाला पैटर्न जो है न्यूक्लियर पैटर्न आप जो देख रहे हैं वो क्या कहलाता है हमारा, ऑल्सो नोन एज द क्लस्टर्ड पैटर्न। हैविंग टू मेनी अपॉर्चुनिटी दीज आर एक्चुअली मेजर विलेज, टाउन, सिटीज, ये क्या हो सकते हैं सेटलमेंट पैटर्न, या तो विलेज हो सकते हैं, टाउन हो सकते हैं, सिटीज हो सकते हैं, इन अ प्लेन और दे मे बी फाउंड इन द डिफिकल्ट टेरेन, टेरेन्स मतलब द टेरिटरी, वेयर फेवरेबल कंडीशंस हैव एग्लोमरेटेड एट अ सर्टेन पॉइंट, यानी जहां पे ये सेटलमेंट, ऑब्वियसली लोग सबसे पहले हम जो घर खरीदते हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई वहाँ कनेक्टिविटी है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है कि नहीं, वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं, लाइट सिस्टम ठीक है कि नहीं, मार्केट है कि नहीं, तो ये सारी चीजें, तो ये सेटलमेंट उसी जगह मिलेंगे जहां पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हुई है। इन सच पैटर्न, इस तरह के पैटर्न में वी मे फाइंड पोस्ट ऑफिस, देखिए वही सर्विसेज हैं, वही फैसिलिटीज हैं जो आप अपने एरिया के आसपास देखना चाहेंगे, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, टेम्पल, मॉस्क्यूज, रिजर्वर एक्सेट्रा। ठीक है, दिस काइंड ऑफ सेटलमेंट यूजली पोर्ट्री इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी एज वेरियस ऑक्यूपेशन एज पॉसिबल एंड द सिविल फैसिलिटी आर अवेलेबल ऑब्वियसली, और ये सब चीज क्या क्या इंक्रेज करती हैं, क्या क्या सपोर्ट करती हैं, इकोनॉमी एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या, जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बने, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिस्पर्स सेटलमेंट अपन नेक्स्ट है, डिस्पर्स यानी दूर दूर, दिस पैटर्न इज फाउंड इन लार्ज फार्म एरिया वेयर देयर आर फ्यू पीपल लिविंग, मतलब एरिया कैसा, एरिया तो बहुत लार्ज है लेकिन पीपल क्या है, बहुत थोड़े थोड़े हैं, तो ऑब्वियसली जब ऐसा स्थान का डिस्पर्स सेटलमेंट कहाँ पाया जाएगा, ज्यादातर अनइवन लैंड, जैसे अगर कह सकते हैं तो माउंटेन्स, हिली रीजन, अंसुरी वगैरह चले जाइए, वहाँ की लैंड क्या है, अनइवन है, तो जहाँ आप अपने घर बना सकते हैं वहाँ तो आपको ये सेटलमेंट मिल जाएंगे, वो भी दूर दूर, और
जहाँ, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो आपको पता है नेवल लैंड होने की वजह से ना तो रोड होगा ना ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छी तरह से वहाँ पे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर उस एरिया में सेटलमेंट पाया जाता है। दे आर ऑल्सो सीन इन द रिमोट एरियाज फार फ्रॉम एंड फेवरेबल वाटर सोर्सेज और फर्टाइल लैंड। दे आर ऑल्सो सीन इन द रिमोट एरियाज फार फ्रॉम दी फेवर। हाँ, तो ये मैंने जैसे बताया पहाड़ों पे, पहाड़ी इलाकों पे पाया जाता है, तो ऑब्वियसली वहाँ क्या है, वहाँ ना तो इतना ट्रांसपोर्ट मिलेगा, जो आपकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है फैसिलिटीज़ की वो बहुत कम अवेलेबल रहती हैं। बोथ पैटर्न जस्ट, और ये ऐसा क्यों होता है, क्यों इसके जो सोर्सेस हैं वहाँ का कम अवेलेबल होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब लैंड एरिया। बहुत परमानेंट टेम्परेरी हर्ट्स कैन बी सीन हियर। तो यहाँ पे दोनों तरह के सेटलमेंट आप देख सकते हैं, डिस्पर्स में परमानेंट भी और टेम्परेरी भी। आगे है इंटरप्रिटेशन और एंड एनालिसिस ऑफ द टोपोलॉजी। अब हम कहते हैं, हम समझेंगे कि किस मैप में जो मैप दिया हुआ है, इंटरप्रिटेशन मतलब कौन से सिंबल कलर जो थीम्स यूज की गई हैं, सिंबल्स यूज किए हैं, कन्वेंशन फाइनल सिंबल यूज किए हैं। देख रहे हैं आप बहुत से कलर यूज किए हैं, ये जैसे कि ये एरिया येलो है, तो येलो कलर स्टैंड फॉर द एग्रीकल्चर लैंड, हाँ एग्रीकल्चर इरीगेशन एक्टिविटीज को दिखाता है। दिस ग्रीन इज फॉरेस्टेस एरिया। तो इस तरह से अलग अलग फीचर्स की अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं, समझाते हैं हमें कि कौन सी चीज़ हमें, बट फॉर दैट वी शुड नो अवेयर अबाउट दी फीचर कन्वेंशन साइन एंड सिंबल, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये मैप आप देख रहे हैं, ये मैप ये कौन सा है, 45D7। हमारे अगर हम बात करें इंडिया के मैप में दो मैप होते हैं, 45D7 एंड 45D10। ये क्या G7 और D10, इसकी आइडेंटिफिकेशन दिया किया गया है, जिससे कि पूरे इंडिया को दो भागों में बांटा गया है, 45D7 और 45D8 में, और इसमें पूरे इंडिया के एक छोटे से छोटा पिक्चर भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप देखिए, जरा मैं आपको समझा दूँ इस मैप को हम देखते कैसे हैं, जो छोटी सी बेसिक्स है। अब ये यहाँ नीचे देख रहे हैं, ये क्या है, ये स्केल दिया हुआ है, जो कि मैंने बताया था स्केल्स क्या होता है, यूनिवर्सल होता है और इंडेक्स एज एन इंडेक्स इस पे रिप्रेजेंट होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, आपको वीडियो में नहीं दिख रहा, अपनी बुक देख लीजिए, अदरवाइज यहाँ देखिए आप 2 सेंटीमीटर आओ 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये क्या मतलब है कि हमारा ये जो एक बॉक्स है आप देख रहे हैं, ये एक जो बॉक्स बनाया हुआ है ये कितने का है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये मैप पे कितनी डिस्टेंस दिखा रहा है, 2 सेंटीमीटर, पर ये 2 सेंटीमीटर जो मैप की डिस्टेंस है हमारी ग्राउंड यानी सरफेस की कितनी डिस्टेंस के बराबर है, दैट इज 1 किलोमीटर, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट दे रहा है, 2 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है हमारी 1 किलोमीटर ग्राउंड सरफेस के बराबर, ठीक है। ये देखिए, ये हमने बात की थी आरएफ की, जो शुरू में हमने पढ़ा था 1:50,000, ठीक है। तो दोनों ही स्केल्स को दिया गया हुआ है, ये सेंटीमीटर में है और वो दिखाया हुआ कि हमारे बॉक्स का जो एक कॉलम है वो हमारे 2 सेंटीमीटर का, और उसके बराबर कितनी किलोमीटर की एरिया शो कर रहा है ग्राउंड का, 1, ठीक है। अब देखें इन शॉर्ट थ्योरी में ब्रीफ पढ़ लेते हैं। द हाइएस्ट पॉइंट अकर्स एट 800 मीटर, इस मैप में हाइएस्ट पॉइंट कितने पे, कितने मीटर पे, 800 मीटर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कौन सा रीजन है वो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एंड द लोएस्ट पॉइंट इन नियर रिवर बेड ऑफ बानस। और लोएस्ट पॉइंट किधर है, रिवर कौन सी, बानस। जैसे कि बात करें, अब ये देख रहे हैं आप लिखा हुआ ये रिवर बानस, ये क्या है, कौन सी रिवर है, मेन रिवर है मैप पे, इस ये रिवर है रिवर बानस, तो इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसी के पास में वो लोएस्ट पॉइंट है। हाइएस्ट पॉइंट क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में 800 मीटर वाला, और लोअर पार्ट रिवर बानस, ठीक है। आगे कह रहे हैं, द फिजिकली डिवीजन दैट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाई आर, कौन कौन से फिजिकल फीचर को जो इसमें क्लियरली दिखाए गए, हिली रीजन ऑफ द नॉर्थ, लोलैंड नियर बानस रिवर जो भी हमने पढ़ा, एंड सैंडी रीजन, सैंडी मतलब द एरिया हैविंग द सैंड, सैंड माने मिट्टी धूल। जैसे हम सैंडी रीजन की बात करें तो रेगिस्तान वाला एरिया, हाँ, विद ओकेशनल ड्यून्स होते हैं मिट्टी के ढेर। जैसे अगर आप देखें, आप राजस्थान वगैरह में जाइए तो जहाँ पे आपको रेगिस्तान मिलता है, तो क्या जब तेज तेज गर्म हवा चलती है वो क्या है, अपने साथ हवा के कणों को उठाती, अपने साथ फ्लो ले जा करती हैं, फ्लो कर ले जाती हैं, उड़ा के ले जाती हैं, और जैसे जैसे हवा की स्पीड कम होती जा रही है वो उसको रिलीज कर देती हैं। और जहाँ पे आप मिट्टी के हवा में जो मिट्टी के साथ कण होते हैं, मिट्टी के कण जो होते हैं वो जहाँ रिलीज करती हैं वहीं पर उसको ढेर बना देते हैं मिट्टी के ढेर, दैट इज ड्यून्स, ठीक है।
द हिली रीजन ऑफ द नॉर्थ, अब नॉर्थ का हिली रीजन की बात करें तो द हिली रीजन इज मार्क बाय द प्रेजेंस ऑफ द सेवरल पीक्स, बहुत सारी पीक्स, पीक्स क्या होती हैं एक तरह की, ये भी एक अनइवन लैंड है, पीक्स मतलब हिली, शॉर्ट ऑफ हिली या वैली, सम ऑफ द पीक्स हाइट 700 मीटर, ये कितने मीटर हाइट की होती है 700 मीटर, ज्वार हिल्स हैज अ एलिवेशन ऑफ अराउंड 533 मीटर, कितनी एलिवेशन, एलिवेशन मतलब हाइट कितनी है इसकी, ऊंचाई 533 मीटर, मोस्ट ऑफ द हिल्स ऑन द एवरेज आर 500 मीटर हाइट, और अगर हम एवरेज ऑन एवरेज बात करें तो कितनी हाइट है 500 मीटर, हिल्स राइज, हिल्स जो उसकी ऊंचाई है स्टीपली फ्रॉम 200 मीटर कंट्यूर हाइट, और कंट्यूर हाइट स्टीपली, स्टीपली मतलब जो अगर इस हाइट की अगर कंट्यूर पर इमेजी लाइन के थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया तो उसमें इसकी मेजरमेंट कितना दिया हुआ है 200 मीटर कंट्यूर हाइट, कितनी है कंट्यूर हाइट 200 मीटर, रिवर्स राइजिंग फ्रॉम दीज हिल्स इन ये जो हिल्स हैं वहाँ से जो रिवर्स हाइट राइज होती है कट आउट देयर वैलीज टू डेवलप डिसेक्टेड हाईलैंड टोपोग्राफी, और वो क्या क्रिएट करती है हाईलैंड टोपोग्राफी यानी एरिया, द रीजन शोज एक्सट्रीम वेदरिंग, द रीजन द रीजन सो एक्सट्रीम वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग क्या टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स, हाँ, और इरोजन तो हम समझते हैं, द प्रेजेंस ऑफ द बैड लैंड टोपोग्राफी, प्रेजेंस ऑफ बैड लैंड, बैड लैंड का मतलब होता है कि लाइक हम कह सकते हैं सॉफ्ट सॉइल इन द सेंस, बैड लैंड मतलब लाइक अगर सरफेस की हम बात करें कि देखिए अब जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई आपको कमर्शियल यू नो बिल्डिंग बनानी है या नॉर्मल हाउस बनाना है, तो अगर आप क्या सबसे पहले देखें कि आपकी जो जमीन है, जो सरफेस एरिया है, वो कैसा है सॉलिड, सॉलिड मतलब कि अगर आप उसके ऊपर कोई इमारत खड़ी कर रहे हैं तो वो टिक सके, हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बैड लैंड टोपोग्राफी है, अनइवन लैंड है, उबड़ खाबड़ जमीन है, ऊंची नीची जमीन है, नोन नॉल एंड रॉकी नोट्स सजेस्ट अनइवन एंड रग्ड टेरेन, रग्ड मतलब टोपोग्राफी कैसी है, रफ है, ऊपर उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, बानस रिवर्स एंड खरिया नदी आर टू कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स दैट क्रिस क्रॉस द हिल्स अलोंग द देयर ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मतलब जब बड़ी नदी से कोई जो छोटी छोटी नदियां निकलते हैं वो दैट वो कहलाती है ट्रिब्यूटरीज, तो बानस रिवर्स और खरिया नदी ये दो वो नदियां हैं जो वैली को क्रॉस करती हुई निकलती हैं, और किसके साथ, अपनी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज के साथ, दिस द हिल्स ऑफन अक्सर शो, ये जो हिल्स हैं ऑफन मतलब अक्सर शो स्टीप स्लोप एंड क्लिप्स, क्या शो करती हैं स्लोप, स्लोप कैसा स्टीप एंड क्लिप्स को शो करते हैं, दिस क्लिप्स हमने पढ़ा था, ये भी एक लैंडफॉर्म थी जो लास्ट चैप्टर पे देखा था, दिस रीजन इज डिन्यूल्ड बाय बोथ विंड एंड रिवर, ये जो रीजन है दोनों की क्या चीज फेस करता है विंड एंड रिवर, दोनों चीजें यहाँ पे पाए जाते हैं, द सीजनल स्ट्रीम, सीजनल समझते हैं द वॉटर बॉडी दैट हैविंग द वॉटर फॉर द लिमिटेड टाइम दैट इज सीजनल, जैसे मान लीजिए अगर किसी एरिया में 2 महीने की बारिश हो रही है फॉर से जून जुलाई या अगस्त सितंबर, तो वो दो जो 2 मंथ्स हैं वो कैसे रहेंगे फॉर द कलेक्टिंग वाटर और आर्टिफिशियल वाटर दैट इज सीजनल, अ नंबर ऑफ रिच कोल एंड सेटल फीचर्स हैव डेवलप्ड इन दिस रीजन, और इस रीजन में क्या पाए जाते हैं कोल, बहुत सारे रिच कोल एंड सैडल फीचर्स यानी अनइवन लैंड के ये लैंडफॉर्म्स हैं जो यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, कंटिन्यूस डिनोनेशन ऑफ द हिली रीजन, और ये किसके वजह से होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द हिली रीजन, ओके, अब है द लोलैंड नियर बानस रवि, अब बानस रिवर जो है हमारी जो मेन रिवर है इस टोपोग्राफी में, इस टोपोशीट में, उसके आसपास का एरिया कैसा है, लो मतलब निचला और लैंड मतलब जमीन यानी निचले इलाके, द कंट्यूस 170 मीटर 220 मीटर डिलिमिट द लोलैंड एरिया, कितना क्या लिमिट की हाइट का एरिया है लोलैंड एरिया जो यहाँ पाया जाता है बनास रवि के नजदीक, दैट इज 170 मीटर हाइट एंड टू से लेकर 220 मीटर हाइट, इट इज फॉर्म ड्यू टू इरोजन ऑफ बानस रिवर, ये कैसे बनता है ये लोलैंड एरिया, क्योंकि जो बानस रिवर है उसकी वजह से जो ड्यू टू इरोजन ऑफ बानस रिवर, ठीक है, बानस रिवर्स के इरोजन होने की वजह से एंड इट्स की नदी सहायक नदियों की, द स्लोप ऑफ दिस रीजन इज डिटरमाइंड बाय द फ्लो ऑफ बानस रिवर, और ये बानस रिवर का जो स्लोप है ऑब्वियसली आपको देखा होगा, अगर हम जब स्लोप की बात कर रहे हैं रिवर की तो इसमें स्लोप कैसे कहेंगे, आपने देखा होगा कभी भी पानी ऊंचे से नीचे की तरफ बहता है, हाँ, आप कभी भी देखिए फर्श पर पानी डालिए तो जहाँ ढलान होगा पानी उस तरफ बहने लग जाएगा, तो दैट इज
how trying to be make you guys understand the slope of the river. Okay, the spot height again is the height. There's a symbol spot. फिर से recapitulation करते हैं. This is spot height. This is triangulated height. हाँ, और कौन सी height थी? एक benchmark. ठीक है. Okay, the valley region is interspersed with ravines. Ravines क्या होता है? Ravines like area number of the series of the water body and badland topography, which is clearly indication of aridity. और obviously जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, जहाँ पे बहुत सारे मतलब you know the water body streams मिलेंगी, वहाँ पे क्या है? वहाँ की land कैसी होगी? Favor for the agriculture activity. अब है सैंडी रीजन ऑफ द साउथ. अभी ये हम D7, ये हमने सब जो कुछ पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है? D7 45. अब इसी में हम क्या सैंडी रीजन ऑफ द साउथ के बारे में पढ़ेंगे. साउथ ऑफ द बानस रिवर. अब बानस रिवर के साउथ एरिया के बारे में बात कर रहे हैं. दिस रीजन हैज एन द एवरेज हाइट. कौन से रीजन की हाइट कितनी है? 200 meters. द होल रीजन इज मार्क्ड विद एरिडिटी एंड सर्व डिनोडेशन. यानी बहुत सारे डिनोडेशन क्या होता है? अगेन ब्रेकिंग डाउन रॉक्स और रिवर वैली हिल टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड. अगर हम वेस्टर्न और ईस्टर्न की बात करें तो द रीजन इज डॉटेड विद अ स्मॉल कॉनिकल हिल्स. ज्यादातर क्या पाया जाता है? कॉनिकल हिल्स विद अ पीक. कितनी हाइट? 370 meters. ठीक है. एंड अ रिच सैडल कोल टोपोग्राफी टू द वेस्ट. वेस्ट में क्या मिल रहा है? रिच सैडल कोल टोपोग्राफी टू द वेस्ट ऑफ किस वेस्ट? किसके वेस्ट में? बलराम नदी. विद अ पीक हाइट. कितनी हाइट है इसकी? 364 meters. द रीजन इज कवर्ड विद दिस. ये जो हम सैंडी रीजन पढ़ रहे हैं साउथ का, उस रीजन में कवर्ड विद दिस सैंडी फीचर. ऑब्वियसली साउथ है, सैंडी रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं. तो क्या है ये जो ये वो एरिया है रीजन का जो कवर्ड विद द सैंडी फीचर सच एज सैंड ड्यून्स यानी मिट्टी के ढेर, हिल्स एंड स्मॉल डिप्रेशंस. डिप्रेशंस आर रिजल्ट ऑफ विंड इरोजन. ये कैसे बनते हैं? विंड इरोजन. विंडों ने जो मैंने अभी बताया था, हवा के साथ जो सैंड के मॉलिक्यूल्स हैं वो साथ लिख चलते हैं और जैसे ही हवा की स्पीड या हवा का फ्लो कम होता है वो रिलीज कर देते हैं और वो क्या क्रिएट करते हैं? डिप्रेशंस या फिर सैंड ड्यून्स. ओके, सैंड ड्यून्स ऑन द अदर हैंड आर द डिपोजिशनल फीचर्स. ये क्या शो करते हैं? डिपोजिशनल फीचर. डिपॉजिट कर देती है ये अपने साथ में जो फ्लो करके लेके आती है सैंड ड्यून्स को. बोथ शिफ्टिंग एंड परमानेंट ड्यून्स आर विजिबल. और शिफ्टिंग एंड परमानेंट, परमानेंट मतलब जो कि सेम सेटलमेंट के अकॉर्डिंग जो परमानेंट है ड्यून्स बहुत लंबे समय से हैं, दैट इज परमानेंट. और शिफ्टिंग वाले जो अभी बने हैं और बाई दे भी नॉर्मल ज्यादा हाइट के नहीं होते हैं वो, और इट कैन बी ट्रांसपोर्ट. ओके, नाउ ड्रेनेज पैटर्न. अब तो ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं. तो क्या ये ड्रेनेज पैटर्न की, तो कौन सा ड्रेनेज पैटर्न? यानी हमारी रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, वाटर बॉडीज में इस मैप में बताई गई हैं. तो ड्रेनेज का मतलब जब भी आप समझिए तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे वाटर फीचर्स. ठीक है. द मेन कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज इज डिपिक्टेड बाय द बानस रिवर. किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया? मेन जो वाटर स्ट्रीम्स रिप्रेजेंट किए, बानस रवि, सीपू रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ बानस रिवर डोमिनेट्स अ ड्रेनेज इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मैप. और ये सब रिवर्स, वाटर बॉडीज, स्ट्रीम्स कौन से पार्ट में रिप्रेजेंट कर एग्जिस्ट हैं? साउथर्न पार्ट, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द मैप. सीजनल एंड पुअर रेनफॉल. सीजनल अगेन फॉर द लिमिटेड टाइम, दैट इज सीजनल. एंड पुअर रेनफॉल, पुअर रेनफॉल मतलब वेरी लेस और नो रेनफॉल इज एविडेंट फ्रॉम द मैप बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिवर आइलैंड. अब जो रिवर आइलैंड मतलब कौन से हैं? यहाँ पे आपने जैसे कभी आपने देखा होगा ना, जैसे नॉर्मल क्या होता है कि किसी भी नदी को आप देखिए तो बीच बीच में कहीं कहीं हमें जमीन नजर आने लग जाती है ना. वो ऐसा क्यों होता है? या तो पानी का फ्लो कम हो जाए, या पानी का जो मतलब लाइक बारिश से आपको पता है ये जो हमारी रेनफॉल होता है वो क्या करता है? पानी के लेवल को इंक्रीज करता है. और पानी भी नहीं पड़ रहा है, फ्लो भी कहीं से नहीं आ रहा, किसी और नदी से पानी नहीं मिल रहा, तो क्या धीरे धीरे क्या होता है जो कम निचले इलाके हैं उसमें पानी के सतह मतलब पानी कम होने लग जाता है तो वो जो सतह होती है उसकी नीचे के सरफेस होता है वो दिखने लग जाता है. और ये जो सरफेस जो दिख रही होती है ये कहलाता है हमारा रिवर या वाटर स्ट्रीम्स आइलैंड. ठीक है. अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं वो?
Yes, the river has a sandy dry bed with a narrow perennial channel. Perennial again, narrow मतलब बहुत कम. Perennial का मतलब होता है 27. A water body having the water 24/7/365 days. यानी कि perennial वो सदाबहार. ऐसी water body जिसमें पानी हमेशा available रहता है. If Banas river has a number of braided channels depicting its lower course. तो बानस रिवर हैज अ नंबर ऑफ ब्रेडेड चैनल्स, यानी ब्रेडेड चैनल्स मतलब कि जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी हैं इसके लोअर कोर्स से जो कि निकलती हैं. सिपू रिवर एंड बलराम नदी ऑल्सो हैव नैरो पेरिनियल चैनल्स इन अ ड्राई रिवर बेड. वर्का नदी अ ट्रिब्यूटरी, तो ये वो सारी नदियां हैं जिनके ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, नैरो पेरिनियल चैनल्स हैं. अ ट्रिब्यूटरी इज ऑफ सिपू इज ऑल्सो पार्टली पिरिनियल वाइल इट इज सीजनल टू वॉर्स दी माउंटेन. और माउंटेन की तरफ जाते जाएं, माउंटेन की तरफ जाएं तो ये कैसे इसमें चेंज हो जाती हैं, टू वॉर्स दी माउंटेन इट इज सीजनल. दिस इज क्लियरली इंडिकेट पुअर सीजनल रेनफॉल. खरिया नदी एंड ऑर्डो नदी ऑल्सो शो सिमिलर पैटर्न ऑफ द ड्रेनेज. येस, ये दोनों नदियाँ भी बिल्कुल सेम से पैटर्न ऑफ ड्रेनेज क्रिएट करते हैं. द प्रोडोमिनेंट पैटर्न ऑफ द ड्रेनेज इज डी एंड्रियाटिक थ्रू इन द माउंटेन रीजन ट्रेजलिस पैटर्न. ये क्या पैटर्न्स हैं? अब जैसे ये क्या है, सेटलमेंट के पैटर्न. जैसे हमने सेटलमेंट के पैटर्न पढ़े थे परमानेंट और टेम्परेरी, इसी तरह के ड्रेनेज पैटर्न है डेंड्रियाटिक, ओके, ट्रेसलाइज. हाँ, तो ये हमारे पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है कि ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं तो किस डायरेक्शन में निकल रही हैं. देखिए कुछ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये मेन रिवर है. अब यहाँ से इसके ये ट्रिब्यूटरीज किसी भी एक में लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्री निकल रही है तो ये कौन सा कहलाता है हमारा, डेंड्रियाटिक. तो इस तरीके से ये डेंड्रियाटिक और क्या नाम है, डेंड्रियाटिक पैटर्न, हाँ, ये डिफरेंट डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है. इसी तरह से जैसे डेंड्रियाटिक हो गया, ड्रेनेज पैटर्न हो गया, रिलीज ट्रेसलाइज पैटर्न हो गया, ये जो पैटर्न होते हैं इसी तरह के ट्रिब्यूटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि मेन रिवर से किस डायरेक्शन में छोटी छोटी नदियाँ निकल रही हैं. ठीक है, तो क्या है, देयर आर अनडिफाइंड इफ्रमेरल ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रीम सीन इन दी. अब ये देखिए कुछ इसमें रिवर्स के एग्जाम्पल दिए गए जो 95-75, ये क्या होती है हमारी, ईस्टिंग, ये होती है नॉर्थिंग, दो दो डिजिट में. तो ये कैसे, जैसे आप मैप में फिर से देख लीजिए, ये देख रहे हैं आप वर्टिकल लाइन्स, ये क्या होती है हमारी ईस्टिंग, और ये क्या होती है नॉर्थिंग. तो यानी 95 और 75 कैसे देखते, सबसे पहले ईस्टिंग देखते हैं 95, यानी ये 95 हो गया और 75, और कहाँ है 75, दैट इज 95, 75, 79 और 73. सी दिस बॉक्स, ये 76 है ये वाला बॉक्स, तो ये बॉक्स, ये कौन सा बॉक्स हो जाएगा 75, क्योंकि ये इसमें आधा दिया हुआ है. ठीक है, इसी तरह से हम नॉर्थिंग स्ट्रीम्स को मेजर करते हैं. ये कहलाता है हमारा ग्रिड स्क्वायर. क्या कहलाता है, ग्रिड रेफरेंस या ग्रिड स्क्वायर्स. ये नॉर्थिंग ईस्टिंग जो लाइंस होती हैं, जो नॉर्थिंग और ईस्टिंग लाइंस होती हैं, ये हमारी कहलाती हैं ग्रिड रेफरेंस. ठीक है, ग्रिड लाइंस, और ये जो बॉक्स होते हैं पूरे सर दोनों, ये कहलाता है हमारा ग्रिड स्क्वायर्स. ठीक है, अगेन ये आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइन, ये कहलाती है हमारी ईस्टिंग, और आप ये जो लाइन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ये कहलाती है हमारी नॉर्थिंग. ठीक है, आगे Banas River shows a lot of depositional features such as river, island, boulders. Boulders क्या होते हैं हमारे, boulders कह सकते हैं एक तरीका stones, rocks and rocks in the dry bed. These extent of a river extend erosion during the monsoons and clearly notable by the presence of the relative height.
हाँ, तो ये हम किस तरह से इरोजन के पता करेंगे मैप में, किस तरह से, क्योंकि ये जो हाइट है आर आर फॉर डेप्थ, रिलेटिव हाइट, रिलेटिव हाइट कभी भी ध्यान रखिएगा। जैसे हमें स्पॉट हाइट और ट्रैंगुलेटेड हाइट को दिखाया था, वो कौन सी हाइट होती है, अबव दी सी लेवल। ठीक है, अबव दी सी लेवल, अगेन मैं समझा देता हूँ, ये क्या है, हमारी प्लेन एरिया है, सरफेस है जहाँ पे हम खड़े होते हैं, तो ये हमारा कहलाता है मीन सी लेवल। ठीक है, और ये जैसे अगर हम बात करें, ये हमारी अनइवन लैंड है, एक हमारा ज्योग्राफी का फीचर है, माउंटेन या प्लेट्यू। ठीक है, तो इसकी जो हाइट होती है वो किससे होती है, अबव दी मीन सी लेवल। ठीक है, अब वी टॉक अबाउट दी वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या है, सिंस रीजन सफर्स फ्रॉम द पुअर रेनफॉल एंड हाई रेट ऑफ डिनेशन, मोस्टली स्क्रब वेजिटेशन इज फाउंड। स्क्रब कैसे होते हैं, छोटी छोटी यू नो हाइट वाले, दैट इज स्क्रब्स, जिसे हम झाड़ी वगैरह कहते हैं ना, देखा होगा ना। द नॉर्थ नॉर्थन हिली रीजन इज कवर्ड विद द फेयरली डेंस मिक्स जंगल। फेयरली डेंस मिक्स जंगल का मतलब होता है, मतलब द एरिया और द वेजिटेशन कवर वेयर द अलॉट ऑफ वेराइटी आर स्टैंड टूगेदर। ठीक है, इन ओपन जंगल, डेंस मिक्स जंगल, डेंस मतलब घना, मिक्स जंगल इन जेसर हिल्स, कौन सा कहाँ पे, जेसर हिल्स, सिग्निफाइज अ टिपिकल फॉरेस्ट। द बैंक ऑफ द सिपू नदी, बैंक और बैंक क्या होता है, वेयर द ऑल दी स्ट्रीम्स आर यू नो जॉइन टुगेदर, दैट इज रिवर, रिवर बैंक हैव ओपन जंगल। और इस रिवर बैंक के आसपास क्या है, द ओपन जंगल। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मैप इज मोस्टली ऑक्यूपाइड बाय द एरेबल लैंड, एरेबल मतलब एग्रीकल्चर लैंड, इज इंटरस्पर्स बाय वेस्ट लैंड। ठीक है, सेटलमेंट, अब सेटलमेंट अगेन, द बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द सेटलमेंट डेवलप आर फ्लैट लेवल्ड लैंड नियरेस्ट टू पेनियल वाटर सप्लाई गुड कनेक्टिविटी। हाँ, तो अगर हम बात करें सेटलमेंट, यानी कि अभी भी जैसे हमने आपसे बात की थी कि जैसे हम जानते हैं कि हमें अपने घर बनाने के लिए या फिर जहाँ पे हमें अपना यू नो दी रेजिडेंस बनाना, उसके लिए हम क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि भाई वहाँ पे ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन अगर हम फार्मर की बात करें तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि आसपास जो जमीन है वो कैसी है, एग्रीकल्चर फेवर है कि नहीं करती है, इसके बाद वाटर सप्लाई है कि नहीं, कनेक्टिविटी है कि नहीं मार्केट में, ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, है ना, ये सब चीज़ें। तो ऐसी जगह जहाँ फैसिलिटीज मिलती हैं वहाँ का क्या होगा, सेटलमेंट ज़्यादा होगा। तो चित्रासानी, चित्रासानी इज द बिगेस्ट सेटलमेंट ऑन दिस एरिड लैंड स्पेस हैविंग द रेलवे स्टेशन हाँ पोस्ट ऑफिस। तो ये वो लैंड स्पेस सेटलमेंट एरिया है जहाँ पे बहुत बड़ा मतलब बहुत लोग रहते हैं, सेटलमेंट एरिया बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पे रेलवे स्टेशन पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। देर आर ऑल्सो टू मोर न्यूक्लेटेड बिग सेटलमेंट, दंतीवाड़ा एंड पठानवाड़ा। ठीक है, ये दो और सेटलमेंट हैं जहाँ पे जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लेटेड सेटलमेंट को। द लेटर हैज द पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन टू। अच्छा, आप एक और चीज़ देखिए, हम कन्वेंशन का साइन सिंबल की बात करें वो भी बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट कर हेल्प करते हैं किसी भी इसके मैप पे रिप्रेजेंट, मैप पे जो एग्जिस्ट फीचर्स हैं उन्हें समझ, जैसे PO ये एक कन्वेंशन साइन सिंबल होता है जिसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, यानी जहाँ जहाँ हम ये PO लिखा देखेंगे मैप में वो हमें क्या मतलब है कि वो क्या दिखा रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इंटरप्रेट कर रहा है, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, आगे फॉरेस्टेड एरिया, बैड लैंड टोपोग्राफी एंड द सेवरल डिनोटेड हिल्स आर डिवोटेड डिवॉइड टू सेटलमेंट्स। स्मॉल विलेज सच एज अंथरौली, संगला, भातमल, मोती, बुतेंदी, बुतेदी एंड दी रामसिदा आर दी स्कैटर्ड इन दी सैंडी ड्यून्स एरिया ऑफ द साउथ। तो ये वो सेटलमेंट्स है, छोटे छोटे गांव हैं जो इस आसपास दूर दूर सैंडी ड्यून्स ऑफ एरिया ऑफ द साउथ में मिलते हैं। दस रीजन इज नॉट वेल कनेक्टेड, ये रीजन आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं होते क्योंकि वही बात, रफ टोपोग्राफी, रफ टोपोग्राफी क्या होती है, अनइवन लैंड, यू नो उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा रास्ता, कच्चा रास्ता, जिसकी वजह से ये लिंक आपस में नहीं हो पाते हैं। पहाड़ों में देखा है बहुत रेलवे ट्रांसपोर्टेशन या और रोड ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से, पहले तो होगा नहीं और होगा तो बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा। टुगेदर विद दी एरिड क्लाइमेट मेक्स इट एट ऑल मोर अट्रैक्टिव द ह्यूमन हैबिटेशन। और ये सारी फैसिलिटीज अगर किसी एरिया में अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन हैबिटेशन मतलब उनको निवास करने के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज होगी तो वहाँ ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट पाया जाएगा। तो हियर वी एंड विद दिस चैप्टर, होप यू लर्न इट। अगेन लेट मी रिमाइंड यू गाइज,
raise, you are free to raising your all query related to chapter explanation. You have our contact number so that you just stop raise your queries, and we will surely get back to you with while making the call, telephonic conversation, whatever will be possible in regard to resolve any single queries of yours. So thank you very much and have a nice time. So with the chapter explanation, we'll cover the question answer as well, so that you guys, this chapter, the question answer explanation could help you guys to memorizing it in a better way, and that provide the strength of your study. So for the same chapter 1, so let's start with the fill up. The first question is, topographical map represent dash and dash features to depict means represent, depict the colorful art. So here two blank are existed. The first blank we fill with relief, and second one fill with man-made. Next, the dash, when we call dash means a place where we have to be mention a relevant word that needs to be filled. That dash show height in the meters above the mean sea level, that is spot height. Here we filled this blank, needs to be filled with the right answer, that is spot height. Next, dash usually do not intersect, they meet together to represent a cliff. The answer, the contours. A dash is a flat topped and steep edge highland. Here the answer is plateau. Dash, next question, dash are noticed along a railway line, metal road or river. Here answer is linear settlement. Next, true false. So each and every single statement we have to answer as in that statement is true or false. So first statement, question number A, the every 100 meter interval a thick brown color line called index contour is drawn for calculating height. So this statement is true. When the heights of several points are known accurately on the map, it is possible to interpolate lines joining equal heights above the mean sea level. This also true. Question number C, when contours are widely spaced, they depict steep slope. Yes, this statement is false. Contour appear in concentric circle. This statement is true. Last, question number E, linear settlement usually portray economic prosperity as various occupations are possible and civil facilities are available. This statement is false. Now the question answer part. So these answer the following questions. C, question number A, how will you identify gentle and steep slope? The answer is, when contours are widely spaced, they represent gentle slope. When they are closely spaced, they depict or represent steep slope. Next question, define the ridge and saddle. Here we have to be defined while comparing ridge between saddle. So first define ridge. Ridge is a long, narrow, sharp-edged upland with several peaks, whereas the saddle is a shallow depression between two hills. It is a broader gap as compared to a col. Now question number C, differentiate between gap and pass. So first we cover gap. A gap is a low depression close to the ground, while pass is a gap between two hills. It is used for trade and transportation. Next question, question number D, what are the conditions required for the nucleate settlement pattern? So for nucleate settlement pattern, the conditions are, first, nucleate settlement are found in the area having too many opportunities. Second, these settlements usually portray economic prosperity as various occupations are possible and civil facilities are available. Question number E,
What are dispersed settlements? So here we have to define dispersed settlement. So answer is dispersed settlement patterns are found in the large area where there is a few people living. Temporary and permanent, mostly the temporary and permanent huts are found in the dispersed settlement. So this was the chapter question answer explanations. Hope this will help you to make you memorizing. So keep studying at home and we'll surely come up with another chapter explanation. Till then, be safe. Thank you.